बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला अपने दो दिवसीय प्रवास पर पंचकुला पहुंचे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान सुभाष बराला ने HSSC स्कैम मामले पर बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार पहले की सरकारों से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि पंचकुला प्रवास के दौरान बूथ से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे और इन बैठकों को चुनावों की तैयारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका ये प्रवास सामान्य प्रवास के समान ही है और ये चुनाव को लेकर कतई नहीं है। और वही सुभाष बराला ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मामले में हो रही जांच पर सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से सरकार की छवि अच्छी हुई है। उन्होंने होमगार्ड जवानों के धरने पर बोलते हुए कहा कि ज्यादातर समस्याएं पूर्व की सरकार की दिन हैं और ये भी उन्होंने कहा कि अगर होमगार्ड जवानों की बात की जाए तो उनकी सरकार ने होमगार्ड जवानों का वेतन बढ़ाया है और उनकी बाकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की भी कोशिश की है और इसी कोशिश में सरकार लगी भी हुई है, लेकिन ये ज्यादातर राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से पहले होमगार्ड को कितना वेतन मिलता था और अब कितना वेतन मिल रहा है, ये आकलन भी करना चाहिए। और ये भी कहा उन्होंने कि उनकी सरकार की कोशिश ये है कि किसी कर्मचारी के साथ अन्याय ना हो। हरियाणा में HSSC की नौकरियों में पैसे लेकर भर्ती करवाने के मामले को उजागर होते ही विपक्ष लगातार हमलावर बीजेपी पर है। इसी कड़ी में अभय चौटाला ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। तंज कसते हुए जो है रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी इसमें सामने आए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने भी कोई कसर तंज कसने में नहीं छोड़ी है और सरकार पर सब्जी की तरह बोली लगाकर नौकरियां बेचने का आरोप लगा दिया और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार के बचाव में बयान दिया है कि कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती। और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले झज्जर की मनु भाकर के प्रदर्शन की एक बार फिर से तारीफ करते हुए उनसे एक और ओलंपिक से पदक लाने की उम्मीद जताई है। मानेसर 900 एकड़ लैंडस्कैम मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और पूर्व IAS टायल कोर्ट में डाली गई अग्रिम जमानत याचिका पर CBI की तरफ से जवाब फाइल करेंगे। गौरतलब यह है कि पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई पक्ष सीबीआई कोर्ट में अपना जवाब दायर नहीं कर पाया था। आपको बता दें कि मानेसर जमीन स्कैम के मुख्य मामले में सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए 19 अप्रैल के लिए समन जारी हुए हैं। गुरुग्राम के मानेसर में दो गांव के जमीन को एक्वायर करने के नाम पर प्राइवेट बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का मामला है ये। CBI कोर्ट ने मानेसर लैंड स्कैम मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और 34 अधिकारियों और बिल्डरों के खिलाफ फरवरी में चार्जशीट जमा करवाई थी। यूथ कांग्रेस की ओर से आज हरियाणा सरकार की विफलताओं को लेकर रोष प्रदर्शन किया गया है। पंचकुला में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के घेराव की कोशिश की है, जिसके बाद पंचकुला में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश भी की और इस पर पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग भी किया गया है। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और हंगामे को बढ़ते देख कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। नौवासियों की पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में मात्र 20 से 25 की संख्या है। पुनहाना के जहटाना गांव के फारूक अब्दुल्ला मात्र 2 साल की प्रैक्टिस के बाद उन्होंने वो कर दिखाया है जो जिले के निवासी 70 साल में भी नहीं कर पाए हैं। बताया जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला आजादी के बाद पहली बार पंजाब हरियाणा बार एसोसिएशन का सदस्य चुने गए हैं, जिसको लेकर लोगों में खुशी की लहर है। बता दें कि सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन और बार काउंसिल सदस्य की अगुवाई में हाईकोर्ट बार सदस्य फारूक अब्दुल्ला सहित कई सदस्य गांव में पहुंचे थे। इस मौके पर गांव के प्रमुख लोगों ने सभी वकीलों का जोरदार स्वागत किया और वहीं नवनिर्वाचित सदस्य एडवोकेट फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा है कि उससे पहले भी नूह के कई वकीलों ने चुनाव लड़ा लेकिन आज तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। और ये भी उन्होंने कहा कि हौसला रखा उन्होंने और लोगों ने दिल से उन्हें वोट दिया, जिनके अनुसार उन्होंने वोट मांगे भी थे। बार के लोगों ने बिना किसी भेदभाव के खुलकर उन्हें वोट दिया है।
फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि उसकी जीत में बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन मिंदरजीत यादव का अहम रोल रहा है। जिले की सबसे बड़ी अनाज मंडी पुनहाना में सरकारी गेहूं की खरीद को लेकर डीएम ने मंडी का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मार्केटिंग कमेटी के अधिकारियों से बैठक भी ली है। इस दौरान उन्होंने अनाज मंडी में खरीद के कमेटी के लोगों को साफ सफाई और व्यापारियों को सही नाप तोल करने के निर्देश जारी किए हैं। यही नहीं, उन्होंने किसानों की गेहूं बारिश में ना भीगे इसके लिए तिरपाल की व्यवस्था करने के भी आदेश दिए हैं। हरियाणा में हो रही रुक रुक कर बारिश से किसान खासे दुखी हैं और वहीं मंडियों में भी अनाज रखने की जगह तक नहीं मिल पा रही है और इसी से परेशान है किसान। बल्लभगढ़ में सुबह से झमाझम बारिश हो रही थी जिसके चलते मंडी में पड़ा किसानों का गेहूं भीग रहा है और इसमें किसानों ने नाराजगी भी जाहिर की है और उनकी गेहूं को यहाँ रखने के लिए अब तक पर्याप्त जगह तक नहीं मिल पाई है जिसकी वजह से किसानों का सारा गेहूँ भीग गया है। कैथल के डोगरा निवासियों को पानी के लिए त्राही त्राही करना पड़ रहा है। यहां डोगरा के निवासियों को पीने के पानी के लिए सुबह 4 बजे उठकर पानी के लिए लाइन में लगना पड़ता है। स्थानीय महिलाओं का ये कहना है कि उनके वार्ड में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी दिन में केवल एक बार ही आता है और वो भी 4 बजे सुबह के समय और इसी से परेशान है ये लोग। उन्होंने ये भी बताया है कि उनके वार्ड में गली में केवल एक ही पाइपलाइन है जिससे कि करीबन 50 से 75 घर में ही पानी आता है और ये घर ही पानी भर पाते हैं। सोनीपत के सेक्टर 15 के निवासियों ने हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यालय पर ताला चढ़कर प्रदर्शन किया है। लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार विरोधी नारेबाजी भी की है। लोगों का कहना है कि हमें एनहांसमेंट भरने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हमें सही एनहांसमेंट भेजी जाए। इसके अलावा लोगों का यह भी कहना है कि पूरे हरियाणा में हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सेक्टर के सभी निवासियों को एनहांसमेंट इतनी बढ़ाकर दी गई है कि सभी लोग सेक्टर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। उनका कहना है कि हमें भेजी जाने वाली एनहांसमेंट अतिरिक्त ब्याज जोड़कर भेजी गई है, हम इसे गवारा नहीं करेंगे, इसके लिए हम किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उनका कहना यह भी था कि सरकार के घोषणा पत्र में ये था कि गरीबों को मकान दिया जाएगा लेकिन अब सरकार बनने के बाद सरकार लोगों से उनके घर छीनने का काम कर रही है। सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको पौष्टिक आहार के लिए तौर पर जहां दोपहर का भोजन मिल रहा है तो वहीं अब संपूर्ण पौष्टिक आहार के तौर पर इन बच्चों को दूध भी पिलाया जा रहा है। इस योजना के तहत इंद्री के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है। योजना के अनुसार सप्ताह में जिस दिन दूध से बना पौष्टिक आहार स्कूल में नहीं दिया जाता उस दिन पहली से आठवीं कक्षा तक के हर एक बच्चे को दूध पिलाया जाएगा और बच्चे को दोपहर का पौष्टिक आहार दिए जाने से करीबन 2 घंटे पहले दूध पिलाया जाता है ताकि भोजन भी ग्रहण किया जा सके। आपको बता दें कि इस योजना के माध्यम से सरकार बच्चों के कुपोषण से बचाकर स्वस्थ जीवन देना चाहती है और अच्छी बात यह भी है कि जब से स्कूलों में दूध मिलना शुरू हुआ है स्कूल में बच्चों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में काम कर रहे लोगों की आधी परेशानी को एक नए रोबोट ने दूर कर दिया है। ऑफिस में मशीन की चाय पीकर उब चुके लोगों के लिए ये रोबोट किसी सपने से कम नहीं है। जी हाँ, ऑफिस में बैठे बैठे अब आप घर वाली चाय पी सकते हैं। कंपनी के डायरेक्टर आकाश ने बताया है कि इस रोबोट के चलते उनके कर्मचारी काफी खुश नजर आए हैं। जिस तरह ये रोबोट काम कर रहा है उससे तो लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब ये रोबोट जनाब आपको घरों में भी नजर आने लगेंगे। इंद्री कुरुक्षेत्र क्षेत्र रोड पर अज्ञात वाहन से टक्कर होने पर जोहड़ माजरा गांव के पूर्व सरपंच की मौत हो गई है।
बताया जा रहा है कि पूर्व सरपंच रघुवीर सिंह किसी कंपनी में कर्मचारी थे और वे अपनी ड्यूटी खत्म कर अपने घर वापस आ रहे थे। जैसे ही सरपंच इंद्र के पास पहुंचा तो उसकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में सरपंच की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के फरीदाबाद में रफ्तार के कहर ने दो युवकों की जान ले ली। दुर्घटना उस समय हुई जब दोनों चचेरे भाई अपनी बहन की शादी के कार्ड बांटकर बाइक से घर वापस लौट रहे थे, तभी टाटा 407 ने उन्हें टक्कर मारकर उछल डाला, जिसके कारण दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद टाटा 407 का ड्राइवर मौके से फरार बताया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। रेवाड़ी के शास्त्री नगर कॉलोनी में देर रात एक कूलर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। हालांकि इस घटना में किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में रखी लाखों की जो संपत्ति है वो जलकर खाक हो चुकी है। और वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और आग पर काबू पाया गया था। हालांकि इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी रोष है। लोगों का मानना है कि घटना लापरवाही के चलते हुई है। राजस्थान के चुरू जलदेसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को एक पिकअप और कार में भिड़ंत हुई। हादसे में एक पत्रकार और SBI बैंक के मैनेजर की मौके पर ही मौत हो गई और वहीं हादसे में 5 लोग घायल बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार रतनगढ़ की ओर से आ रही पिकअप और बीकानेर की ओर से जा रही कार में ये टक्कर हुई थी। घटना में कार इतनी क्षतिग्रस्त हुई कि एक मृतक का शव कड़ी मशक्कत के बाद कार से बाहर निकाला गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया और वहीं घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। साइबर सिटी गुरुग्राम के DLF फेज 2 इलाके में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का एक मामला सामने आया है। पीड़िता जम्मू कश्मीर की रहने वाली बताई गई है और गुरुग्राम में PG में रहती है। आरोपी शाहनवाज टेलीकॉलिंग का काम करता है। दरअसल पहले पीड़िता की जो मुलाकात है वो आरोपी से हुई है और उसके बाद शादी करने का वायदा कर साथ रहने आरोपी लगा। आरोपी ने इस दौरान पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाया और न्यूड फोटो भी खींचे और इसके अलावा पीड़िता को ब्लैकमेल करने का काम किया गया। बाद में पीड़िता को यह मालूम हुआ कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया।